हेलो गाइस, वेलकम बैक साइंस कॉर्नर के एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। लेकिन इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है। तो जैसा कि आप सब जानते हो, अगर नहीं जानते हो, कंपोजिशन ऑफ एयर में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो एयर में कंपोजिशन है वो है नाइट्रोजनस गैस की, ठीक है, नाइट्रोजन गैस की। 78% नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। साथ ही साथ ये एक अहम कंपोनेंट है, अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें, क्लोरोफिल की बात करें, ये इन सब चीज़ों का एक अहम कंपोनेंट है। यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जो ये कंपाउंड्स हैं, ये जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इनमें एक अहम रोल प्ले करता है नाइट्रोजन। मगर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ना तो प्लांट्स, ना एनिमल्स या ना हम लोग नाइट्रोजन को कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम एयर, यानी कि हवा में से नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। यानी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिससे कि हम हवा में से डायरेक्टली नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए हम नाइट्रोजन जो है वो कैसे हम तक पहुँचती है, उसके लिए एक प्रोसेस रहता है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये क्या चीज़ होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का रोल है, इसीलिए हम ये यहाँ पढ़ रहे हैं। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो कि वाटर सॉल्युबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, मैं यहाँ बता भी देता हूँ। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, ये कुछ कंपाउंड्स हैं। नाइट्राइट्स और अमोनिया, ये कंपाउंड्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, इनमें कन्वर्ट करने के बाद उसको वो सॉइल में फिक्स करते हैं। फिर वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स पानी में जज़ब होकर प्लांट्स उनको लेते हैं, प्लांट से फिर वो प्लांट जब एनिमल खाते हैं तो एनिमल पहुंचते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, वो सारा नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में कन्वर्ट, यूजेबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर फिक्स होती है। अब अगर आप डेफिनेशन की बात करो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैशियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये कुछ तरीकों से होता है, जैसे कि सबसे पहला अगर हम कहें तो बहुत ही कम जो है नाइट्रोजन इस मेथड से फिक्स होती है, बहुत ही कम नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है, वो है लाइटनिंग इफेक्ट। जो ये आसमान में बिजली कड़कती है इससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि लाइटनिंग इफेक्ट से भी नाइट्रोजन फिक्स होती है यूजेबल कंपाउंड्स में, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन प्लांट्स, कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया रहते हैं इन यूजेबल फॉर्म में, वो उसको कन्वर्ट करते हैं, फिक्स करते हैं इन सॉइल, जैसे कि राइजोबियम। जैसे राइजोबियम एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सॉइल, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। वहाँ पर मैंने प्लांट्स लिखा है, यहाँ सॉइल लिखा है, ये भी ध्यान रहे। ये प्लांट्स के अंदर रहते हैं, ये फ्री रहते हैं सॉइल में, मिट्टी में रहते हैं। जैसे अज़ोटोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब सर्टन ब्लू ग्रीन एल्गे जो हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना जो हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। अब नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स होती है, सॉइल से प्लांट में जाती है थ्रू रूट्स, फिर उसके बाद प्लांट से एनिमल में जाती है, ये सारा साइकिल जो है। लेकिन इस सारे साइकिल के दौरान जब हम देखें पूरा साइकिल की बात करें, तो टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में या वो अर्थ पे कांस्टेंट रहती है। अब ये कैसे मेंटेन होती है, ये मेंटेन होती है थ्रू नाइट्रोजन साइकिल। अब इसको कहते हैं हम पूरे को साइकिल, यानी कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में कैसे आती है, प्लांट से फिर एनिमल्स में कैसे जाती है, एनिमल्स से फिर वापस जो है एयर में कैसे पहुँचती है, या सॉइल में कैसे पहुँचती है, सॉइल से एयर में कैसे पहुँचती है, ये जो पूरा साइकिल है, जो साइकिलिंग ऑफ नाइट्रोजन लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट या लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो अब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं।
तो अब बात आ जाती है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो मैंने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है जिससे गैशियस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल फॉर्म ऑफ, यूजेबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है और फिक्स हो जाती है सॉइल में। इसको फिक्स करने के तरीके जो है मैंने कहा कि लाइटनिंग से होती है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, तो उनसे फिक्स हो जाती है सॉइल में। अब ये साइकिल क्या है, तो देखो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में फिक्स होने के बाद प्लांट्स में पहुंचती है, प्लांट्स से एनिमल्स में पहुंचती है, एनिमल्स से वापस सॉइल में, और सॉइल से कुछ पार्ट जो है वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। तो ये जो सारा साइकिल है इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ साइकिलिंग ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इट कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर कांस्टेंट। ये जो है हमारी एटमॉस्फेयर में टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को कांस्टेंट रखता है। देखो यहाँ पर ये साइकिल बना है, आप लोगों ने इस साइकिल पे ध्यान देना है, याद रखना है इसको और ड्रा करने की कोशिश करनी है रफली, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको ड्रा करने के लिए भी ये आ सकता है कि नाइट्रोजन साइकिल बनाओ अपने आंसर शीट पर। ठीक है, तो सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ मैंने दो स्टेप्स लिखे हुए हैं और एक में मैंने बैक्टीरियाज के बारे में लिखा है, एक में लिखा है लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है उससे डायरेक्टली इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जो है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उनसे होती है और वो कन्वर्ट करते हैं उसको यूजेबल कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि हैं ये अमोनिया, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, सॉइल में ये कंपाउंड्स बन गए यानी कि कन्वर्ट हो गए, बैक्टीरियाज ने कन्वर्ट किया, अब ये सॉइल में आ गए हैं, ये वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं यानी कि पानी में जज़ब होने वाले कंपाउंड्स हैं। जब ये पानी में मिक्स हो जाएंगे, पानी में जज़ब हो जाएंगे, तो प्लांट्स जो हैं अपनी रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करके इनको अपने अंदर ले जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर प्लांट्स के अंदर ये इस्तेमाल होंगे क्लोरोफिल बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए, विटामिन्स बनाने के लिए, जो जिन भी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है वो प्लांट्स के अंदर वो कंपाउंड्स बनेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन अब इनके पास आ गई है इन फॉर्म ऑफ सॉल्युबल कंपाउंड्स। ठीक है, जब एनिमल्स उन प्लांट्स को इस्तेमाल करेंगे, एनिमल्स जब उन प्लांट्स को खाएंगे या ह्यूमन बीइंग्स जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे, तो वो जो कंपाउंड्स हैं, वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इंसान को चाहिए उनके लिए वो नाइट्रोजन उनको वहाँ से मिल जाएगी। अब उसके बाद ये वापस सॉइल में कैसे पहुँचेंगे, प्लांट्स नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। जैसे कि हम अगर अपनी बात करें तो यूरिन जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, स्वेट जो है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, उसी तरह से प्लांट्स नाइट्रोजनस वेस्ट या एनिमल नाइट्रोजनस वेस्ट सॉइल में जाकर उन कंपाउंड्स को वापस सॉइल में पहुंचाता है। साथ ही साथ जब प्लांट्स की डेथ होती है, एनिमल्स की डेथ होती है, तो वो जो बॉडी डिकम्पोज होती है उससे भी नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं सॉइल में पहुँच जाते हैं। उसके बाद जब ये कंपाउंड सॉइल में हैं तो सारे के सारे प्लांट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ पार्ट जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचता है इन कंपाउंड्स का इन फॉर्म ऑफ गैशियस नाइट्रोजन। अब इन कंपाउंड्स पे कुछ बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं जिनको हम कहते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज। अब ये क्या करते हैं, ये उन कंपाउंड्स को गैशियस नाइट्रोजन में तब्दील करते हैं। ठीक है, तो ये वापस एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। तो ये है पूरा नाइट्रोजन साइकिल, ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लगभग जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर जिसको जो चीज़ क्लियर हुई है वो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमको यहां पे समझ नहीं आया है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको वो चीज दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है।